गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण जोशी आज यहाँ पर आ गई हूँ फिर अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। मैं अपने घर आई हुई हूँ, मतलब अपने मायके। तो आजकल जो है ना काला महीना लगा हुआ है, तो उसी को बांधने के लिए मैं यहाँ घर पर आ रखी हूँ। तो देखते हैं अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मोंटो यहाँ पे ऐसे बैठ रखे हैं, पता नहीं कौन से सदमे में पहुँचे पड़े हैं। एक हफ्ते से इनको सर दर्द हो रहा है, एक हफ्ते से इनके सर पे दर्द है। ओ ओ ओ बस रहने तो। और मम्मी यहाँ पे गेहूँ डाल रही है। ये गेहूँ है ना मम्मी? गेहूँ है? अरे मेरे को क्या पता, गेहूँ ही है। हाँ, और मेरा टफी बेचारा ये यहाँ पे ऐसे बैठा पड़ा है। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो रखी है 4-5 दिनों से। और मौसम कुछ ऐसा हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। देखिए हवा तो खैर क्या दिख रही होगी, पत्ते हिलते हुए दिख रहे होंगे। और मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई है आज बिल्कुल भी, रात की सब्जी खाओ बोल रही है। आटा मैंने रखा था मम्मी उनके और की। ये देखो कैसे ला रहे हैं। अरे 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 आराम से आराम से। मोंटू की तो हालत खराब हो गई होगी इतने से, मैं दिख रहा है वो इतना मारूंगी ना। तभी इतने मोटे हो रहे हो क्यों? वही तो। ये देखो गाइस इतने पतले हो गए मोंटू बेचारे, एक हफ्ते से इनको सर पे दर्द है। सर पे दर्द की वजह से इतने कमजोर हो चुके हैं बेचारे। और क्या, कमेंट करके बताना गाइस मोंटू कमजोर है और नहीं हो रहे हैं करके। मैं चिंटू गए मोंटू गाइस मैं चिंटू मिल गई। चिंटू बहुत आलसी हो रही है। इधर आ चिंटू, इधर आओ चिंटू बेबी, आ जाओ। नहीं आई? तो आज मैंने ना अपनी चिंटू को जो है नहलाना है, बहुत दिनों से उसने नहाया नहीं है, बहुत बेकार हो रखी है ना। चिंटू नहाएगी बताओ, चिंटू से पूछते हैं नहाएगी कि नहीं नहाएगी। मोंटू क्या लगता है, चिंटू जवाब देगी नहाएगी या नहीं नहाएगी, नहाएगी या नहीं नहाएगी करके? आज मैं से नहला रही हूँ यार, इतना मारूंगी ना। चुप रहो, आज कल चिंटू बेचारी बहुत पतली हो गई यार, मेरे से भी पतली। तो चिंटू ना आएगी? चिंटू बेबी नहीं ना आऊंगी कह रही है तो। अरे मम्मी यहाँ पे नाश्ता है। ये तो अब जो है ना हम भी नाश्ता कर लेते हैं। गाइस ये दोनों इतना लड़ रहे ना। क्यों लड़ रहा? ये किरण ने बिल्ली को नहलाती हुई है। चिंटू, हाँ चिंटू को है, चिंटू को पिंटू बनाएगी अभी देखना गाइस। ये पिंटू बनाएगी गाइस, ये पिंटू क्या कह रही है, आज मैं बिल्ली को नहला के बिल्ला बना दूंगा। ये बिल्ली है, बिल्ला है, यार पता है क्या? ये बिल्ली को नहलाने की प्रक्रिया स्टार्ट करती हुई है। ऐसे कौन नहलाता है यार, क्या कह रही बिल्ली, कल के दिन भांजी भांजी हो जाएंगी तो ऐसे नहलाऊंगी? बस क्योंकि बकवास, क्या जो बात सच्चे है उसको कबूल करना चाहिए। ये खुद भी ऐसे नहाती है गाइस।
चिंटू मार गई। अरे वहां आप देखिए। और गाइस इसके मुंह में हमेशा ना वो रहता है, हाँ वही खालो वाला। गाइस ये देखो बिल्ली को नहलाने की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ कर चुकी है आराम से। हाँ बस अगर जोशी जी ये हरकतें देखेंगे तो क्या ही सोचेंगे यार। बिल्ली आज कहीं ये बिल्ली बेचारे को इतना मत नहलाओ ये दम ना तोड़ दे ठंडे से। इस बेचारी को नहला दिया, इतना नहला दिया गर्म पानी से नहा रही हमारी ये बिल्ली चिंटू उप चिंटा। स्विमिंग करेगा ये चिंटू अभी देखना क्या सर टफ बात ऐसी बात है। अभी मेरी बहन लगेगी गाइस थोड़ी देर में देखना पूरी। हाँ हम नहीं पकड़ेंगे बिल्ली, हमें बिल्ली और कुत्तों से थोड़ी दूरियां रखते हैं हम। ठंड लग गई होगी बेटा उसको। गाइस देखिए इसको ये धूप में नहलाने लगे, इसने बिल्ली का क्या ही हाल कर दिया। ये देखिए गाइस अब तो आपको हम अच्छी से बिल्ली दिखाएंगे। ये रही बिल्ली है, ये देखिए ये देखो ये बिल्ली ये गाइस ये नहा लिया। अब इसको धूप में सुखाने के लिए डाल दे, इसका टॉवल तो लाई नहीं तू क्या कर रहा। हाँ वही काम तो रह गया मेरा आप जिंदगी में, कुल्ली कुल्ली बिल्ली के लिए टॉवल लाना। ये बिल्ली बेचारे को देखो कितनी कितना ठंड लग रही फिर भी नहला रही है। तेरा वाला टॉवल ले आऊं तो और किसका क्या कह रही कुसुम बिल्ली को निचोड़ ले। ये कुसुम की ऐसी हरकत है, कह रही बिल्ली को निचोड़ लो, अगर बिल्ली को निचोड़ दिया तो बिल्ली बेचारे पे बचेगा ही क्या फिर। ये भूतनी के हर लक्षण है। ठीक है गाइस फिर अब आगे की प्रक्रिया हम शाम को बताएंगे, जब बिल्ली सूख जाएगी अच्छे से मस्त दिखेगी उसके बाद दिखाएंगे हम बिल्ली। तूने नहा लिया अभी बेचारे को खुद पता नहीं है कि अब इस बेचारे को खुद ही पता नहीं है कि मैं सूखूंगी कि बचूंगी कि नहीं, इतनी ठंड लगी इसको कितनी काली हो गई है। दस हो चुके हैं गाइस अभी तक इसने झाड़ू नहीं ला रखा है, मम्मी आएंगी ना तो इसको इतनी डांट पड़ने वाली है ना देख रहे हो क्या नहीं ला रखे झाड़ू यहाँ देखो। झाड़ू लगा रखा है बहुत बड़ी बात है, वरना तो ये पोछा तो बाहर से लगाती है। मैं कह रहा क्यों लगाती है बहन। कोई बसली आ गई है अपनी मौसी से मिलने के लिए। बोलो किससे मिलने आया तू है बसु? क्या कह रही गिल्ली शादी के बाद ऐसा करना जरूरी होता है? तेरी शादी हो रही देख तेरी से मिलने के लिए फ्रॉक पहन के आई है। टाइम हो रहा है 3 और सब खाना पीना खा के ना सोए पड़े हैं यहाँ पे। मम्मी और दीदी यहाँ पे सोए पड़े हैं, दीदी तो फोन पे लगी हैं और मोंटू को देखते हैं क्या कर रहे हैं। मोंटू हाथ जोड़ के सो रखे हैं, इनको उठा दी। मोंटू ये भी यहाँ पे सो रखी है एक नंबर की आलसी, इसको भी उठा दे कैसे रिएक्शन रहता है। मोंटू का तो आपने देख लिया, मेरे हाथ में मार रही इसने। लेकिन मुझे सबको परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही ना इसीलिए। वंस मोर तो इसको सोने देते हैं गाइस। आज मेरी चिंटू बेचारी ने जब से नहला रखे परास्त पड़ी है बेचारी। मोंटू से टफी नहीं खोल रहा, बताओ। खोलना नहीं चाह रहा हूँ। और यहाँ पे गेहूँ को उठाने का काम हो रहा है, थोड़ा पहले साफ किया जाएगा उसके बाद इन्हें उठाया जाएगा। और ये कुसुम की हालत देखो जरा, मुंह कैसा बने। पंखा लेके आ रही है तो साथ में मम्मी से डांट भी खा रही है। पंखे के आगे तो ये खड़ी है। मैं भी करूं एक बार।
तू उठा उन्हें, जो मम्मी साफ कर रही उन्हें उठा, और क्या कट्टे में भर। तो देखिए गाइस, ये मायके में आके भी खूब सारा काम कर रही है। इसको हमने यहाँ बैठने के लिए नहीं बुला रखा है, यहाँ ही काम कर रही है। अभी गेहूं को कट्टे में भरेगी। ये बिल्ली को मत ढूंढ, यहाँ काम कर। खुद ही बोल रही है तू, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला बहन, ऐसे कैसे हो जाएगा। मतलब काम चोर अभी की अभी भी रह गई ना ये। बेटा फिर ससुर जी भी देखें कहीं हमारी बहू कितना काम करती है। कोई नहीं, ससुर जी आ जाएंगे। ये देखो, ये छोटी बहन खाने काम की। एक बार चाय बना के ले आई, कह रही मैंने चाय बना दिया, मैं कुछ नहीं करूंगी। काम चोर नंबर एक। ये 11 बजे तक तो पोछा ही लगाती है गाइस। 11 बजे इसका पोछा, झाड़ू पोछा लगता है। चलिए जा, कुछ हम काम कर लिया कर थोड़ा बहन। किरण को देख, किरण को देख, शादी का कितनी समझदार हो गई एकदम। काम काम के लिए कभी भी मना नहीं करती। अभी सारा रही हो, अब तो इसको खाली कहना पड़ता है किरण ये कर दे, तुरंत बेचारी मना कर ही नहीं सकती है। अब शादी, अब ये लड़की से औरत में आ गई है ना, तो औरतों वाले काम भी करना चाहिए इसको। तो औरत कब होगी, अब हो गई तू क्या? ऐसा मत बोल, बीच का हूँ अभी मैं। देखो गाइस, इसको खुद ही पता नहीं है कहाँ की है। अच्छा ऐसी बात है को। चलिए जल्दी काम कर बहन, कब होगा बारिश आने वाली। देखो ऊपर का मौसम देखिए, देखो बारिश आने वाली है। अगर बारिश आ गई तो गेहूं अभी ये सब भीग जाएंगे। नहीं नहीं ऊपर का मौसम ऊपर ही दिखा रहा हूँ। देख कह रही अभी तक मैं औरत नहीं बनी हूँ, अभी मैं लड़की हूँ गाइस। तो ये काम करते करते आज शाम तक औरत बनी जाएगी। देखो इतने गेहूं डालने तो औरत नहीं बन जाएगी। देखो ये नहीं है बेटा, एक बार काम करके देखो। कुर्सी में देख, बैठ बैठ के ना ऑर्डर चलाना अलग बात होती है। हमने वहाँ क्या क्या किया, क्या पता हमारा मन करे तो आपको हम नानो तक का छोटा सा दृश्य भी दिखाएंगे। देखिएगा गाइस, हम ये नानो को जा रहे हैं। ये पीछे दो लड़कियाँ, दो बच्चियाँ नहीं दिख रहे हो रे। तो देखिए गाइस, ये दोनों पापा की परियां कहाँ को जा रही है, कुछ पता ही नहीं इनका। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, और अभी हम आए हुए यहाँ पे नाना पता डैम में। हम तो देखो खाने में लगे पड़े हैं, क्या पॉपकॉर्न खा रहे हैं। उस समय से बैठी नहीं चाहिए जिसको हमने पॉपकॉर्न दे दिया है, फिर भी ये मांगने में लगी पड़ी है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। चुके थे और घर पे जो है मम्मी ने सब्जी बना के रखी थी, और कुसुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, बस थोड़ा सा आटा लगा रही है, हो गया। तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे ही अपने एक नए अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।